Hello students, in the last video, we have completed the SSB-SC modulation technique. Now in this video, we will solve some numericals on SSB-SC, DSB-SC and DSB-FC modulation technique. Okay, so first numerical, which I am considering here, you have a diagram given. Okay, you have an input which is Fourier transform ke form. Mein hai. Range hai aapki minus FM to plus FM. Okay, now aapka ye jo input hai ye apply hua hai aapka product modulator mein. Okay, is tarah se kuch. Now ye product modulator ka output ja raha hai ek adder mein. Okay, and finally this is your output. Okay, yahan par same input jo hai wo Hilbert transformed ho jane ke baad ek aur product modulator mein apply hua hai. Okay, और इस product modulator का output भी आपका same adder में जा रहा है, ठीक है? ऊपर के side sign आपका plus है, नीचे के side आपका sign minus है. इस दोनों product modulator में एक और signal apply हुआ है, that is cos 2 pi fm t. Okay, ये आपका directly apply हुआ है, और second product modulator में आपका 90 degree phase shift होने के बाद apply हुआ है. Okay, clear a point? तो ये आपका डायग्राम है और यहां पर आपको आउटपुट बताना है कि फाइनल आउटपुट आपका क्या होगा, ठीक है? अगर आपको ये डायग्राम याद आए जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये डायग्राम है आपका फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड ऑफ एसएसबीएससी जनरेशन. ओके, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली सेम डायग्राम है. अगर वो आपको थ्योरी याद है वहां पर, वहां का ब्लॉक डायग्राम अगर आपको याद है, तो आप यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा, आपको थ्योरी फिर से रिफर करनी है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर जब अगर नीचे में साइन प्लस होता है तो आपकी जनरेट होती है लोअर साइड बैंड, जब नीचे साइन आपका माइनस होता है तो जनरेट होती है अपर साइड बैंड. तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आपकी अपर साइड बैंड जनरेट होगी. क्लियर है? जो यहां पर सिग्नल होता है जो कि आपका cos 2 pi fmt है, और यहां पर क्या हो जाएगा फिर, sin 2 pi fmt after 90 degree phase shift, ये कैरियर को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ठीक है? जो यहां पर सिग्नल होता है स्टार्टिंग में, वो रिप्रेजेंट करता है आपका मैसेज को. तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैसेज की फ्रीक्वेंसी और कैरियर की फ्रीक्वेंसी दोनों आपकी सेम है. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ यहां पर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या हो जाता है आपका, सपोज करिए अगर यहां पर आपका mt होता तो ये क्या बन जाता, m कैप t, पर यहां पर आपका फोरियर के फॉर्म में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, प्रोसीजर आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा. आपको पता है कि यहां पर आपकी अपर साइड बैंड जनरेट होने वाली है, तो आप सबसे पहले यहां पर dsb-sc सिग्नल जनरेट कर दीजिए, दैट इज अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप अपर साइड बैंड को ड्रॉ कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है आपका. नाउ हमें पता है कि जब भी आपको dsb-sc सिग्नल जनरेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, DSB-SC सिग्नल के लिए हम लोग अपने मैसेज के फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, प्लस कैरियर, और एक बार क्या करते हैं हम लोग, माइनस कैरियर, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आप कैरियर कितना है, FM है, तो यहां पर एक बार आप पूरे डायग्राम में प्लस FM कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा डायग्राम आपका, 0 टू 2 FM. ओके, और एक बार आप पूरे डायग्राम में यहां पर माइनस एफएम कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 0 टू माइनस 2 एफएम. ओके, तो ये डायग्राम आपका यहां पर रेडी हो गया. ओके, नाउ आपको पता है यहां पर कि जो सेंटर फ्रीक्वेंसी रहेगी 0 से 2 एफएम के बीच की, वो आपकी कैरियर होगी, और एक्चुअल में एफएम आपकी है भी कैरियर फ्रीक्वेंसी. सेम यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस एफएम. ओके, तो कैरियर के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है आपका, अपर साइड बैंड, और कैरियर के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, लोअर साइड बैंड. हमें पता है ये पॉइंट. ओके, सेम आपका नेगेटिव साइड भी हो जाएगा. तो आपको पता है जो यहां पर एसएसबीएससी सिग्नल जनरेट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड ही जनरेट होने वाला है, तो आप अपर साइड बैंड को ड्रॉ कर दीजिए, बहुत इजी है. तो कुछ डायग्राम आपका इस तरह से हो जाएगा यहां पर. ओके, एफएम टू 2 एफएम. ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 एफएम एंड माइनस एफएम, ये आपका जनरेट हो गया एसएसबीएससी विथ अपर साइड बैंड. क्लियर है पॉइंट?
अगर सपोज करिए सेम क्वेश्चन में अगर यहां पर प्लस साइन होता तो यहां पर आपका क्या जनरेट हो जाती है, आपकी लोअर साइड बैंड, तो कुछ ऐसा जनरेट होता डायग्राम आपका इस तरह से, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल और यहां से भी आपका फर्स्ट ट्रायंगल, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से आप बड़े आराम से जनरेट कर सकते थे यहां पर एसएसबी एससी वेव फॉर्म अगर आपको थ्योरिकल डायग्राम याद होता, ठीक है ना। इसीलिए मैं कम्युनिकेशन में आपको बार बार बोल रहा हूं स्टार्टिंग से कि कम्युनिकेशन में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर थ्योरिकल डायग्राम अगर आपको याद था तो आपको पता था कि दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम कैप्टी, दिस इज कैरियर, दिस इज 90 डिग्री फेस शिफ्टेड वर्जन ऑफ कैरियर, हियर दिस इज मल्टीप्लायर, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लायर, एंड यहां पर अगर साइन माइनस है तो अपर साइड बैंड, प्लस होता तो लोअर साइड बैंड होती, ठीक है। फिर आपको अगर डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करने के जो मैंने कई बार आपको तरीके सिखाए हैं, ठीक है ना, कि एक बार आप कैरियर फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एमएफ के डायग्राम में, तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप हम लोग करेंगे यहां पर वो है आपका अ नॉन लीनियर डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लीनियर डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आई थिंक हम लोगों ने जब पढ़ा था आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन एंड स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन, तो हम लोगों ने नॉन लीनियर डिवाइस का यूज किया था, ठीक है ना, स्क्वायर लॉ डिवाइस का यूज किया था, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है नॉन लीनियर डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी नॉट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 वी आई प्लस 0.2 वी आई स्क्वायर, ओके, ये आपको गिवन है, ठीक है। इज सप्लाइड विथ मीन्स वी आई गिवन है आपको, इज सप्लाइड विथ 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड कैरियर एंड अ साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड इन सीरीज, ओके। सीधा सीधा आपको गिवन है वी आई की वैल्यू, क्या गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अ नॉन लीनियर डिवाइस इज सप्लाइड विथ अ कैरियर ऑफ 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड, ओके, मीन्स आप पहले कैरियर लिख दीजिए कॉस ओमेगा सी टी, ओके, और कोई इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आप ओमेगा सी एज्यूम कर लीजिए, एंड साइनोसॉइडल मैसेज ऑफ 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड इन सीरीज, इन सीरीज मीन्स सिंपली एड हो रहा है आपका और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा एम टी, दोनों के ही एम्पलीट्यूड आपको 1 वोल्ट और 1 वोल्ट दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिंपली यहां पर स्टेटमेंट थी कि एक कैरियर और एक मैसेज सिग्नल जिनके एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट के हैं वो आपस में सीरीज में है, उनको आप अप्लाई कर रहे हो स्क्वायर लॉ, या आप कह सकते हो यहां पर नॉन लीनियर डिवाइस में, क्लियर है पॉइंट यहां पर, ठीक है। आगे आपको बोलता है इफ एट द आउटपुट वी रिक्वायर्ड एएम सिग्नल, ठीक है, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस, क्लियर है पॉइंट। मींस ये जो आपका नॉन लीनियर डिवाइस है इसके आउटपुट में अगर हम लोग सिर्फ एएम सिग्नल ही चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्टर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है आपका, रिक्वायर्ड इज एएम सिग्नल, ओके, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। मतलब ये सारे ऑपरेशन कर लेने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एएम सिग्नल को ही कंसीडर करना है और कुछ हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमए आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है अच्छे से पॉइंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। हमें बेसिक स्टेप तो आता ही है, हमें वी आई गिवन है, वी जीरो के इक्वेशन में हम लोग वी आई पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, वी जीरो 10 प्लस 2 कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 कॉस ओमेगा एम टी, ओके, प्लस 0.2 वी आई स्क्वायर मीन्स 0.2 कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, ओके, प्लस 2 ए बी मीन्स 2 कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी, क्लियर है पॉइंट आपको। तो बेसिकली हमने यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है यहां पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, क्लियर है अच्छे से आपको। नाउ इसको अगर मैं फिर से थोड़ा सा ओपन कर दूं, थोड़ा एक्सपांड कर दूं, तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा आंसर, वी जीरो इज इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, आगे आपका कौन सा टर्म है, 2 कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2
2 cos omega mt, ओके, देन आपका जो आने वाला टर्म है वो 0.2 से अब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए जरा, ये है आपका cos स्क्वायर थीटा का टर्म, तो ये क्या होगा 1 plus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 1 plus cos 2 ओमेगा ct डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 0.2 से। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ जो आपका अगला टर्म है वो cos स्क्वायर ओमेगा mt है, सेम फार्मूला लग जाएगा आपका, प्लस 0.2 1 plus cos 2 ओमेगा mt डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 2 cos ओमेगा ct इनटू cos ओमेगा mt, ठीक है, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं अभी, आप समझिएगा क्यों। 2 cos ओमेगा ct इनटू cos ओमेगा mt, तो आपको समझ में आया कि मैंने इसे ऐसा ही क्यों रहने दिया, क्योंकि आपको आउटपुट में am इक्वेशन चाहिए। अगर आप am इक्वेशन को याद करें तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है st इज इक्वल टू ac 1 plus ka mt cos ओमेगा ct, ठीक है। अगर आप mt को कोसाइन वेव पुट कर दें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, st इज इक्वल टू ac 1 plus ka am into cos omega mt और ब्रैकेट के बाहर cos omega ct, means cos omega mt और cos omega ct हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होंगे आपके, तो स्टैंडर्ड am में ये टर्म आपका हमेशा आना है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके आउटपुट में अल्टीमेटली हमें स्टैंडर्ड am ही कंसीडर करना है, ठीक है। एक बार मैं इक्वेशन लिख के भी आपको कंपेयर करा दूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ओके। नाउ अब आप समझिए, यहां पर आपको पता है स्टैंडर्ड am में कौन कौन से टर्म आते हैं। स्टैंडर्ड am में आपके एक तो आपका cos a cos b वाला cos omega ct into cos omega mt वाला टर्म आता है, ठीक है, एक आपका सिर्फ और सिर्फ कैरियर आता है, आपको यह भी अच्छे से पता है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज वाला टर्म नहीं आएगा, तो हमें फिल्टर जो है इस तरह से चूज करना है, ठीक है ना, कि आपका ये टर्म क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। हमें यहां पर ये नहीं सोचना कि मतलब फिल्टर क्या होगा कैसे होगा, ठीक है ना, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें ये कहा गया है आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ एएम सिग्नल ही लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका ये टर्म रिजेक्ट हो गया 2 cos ओमेगा mt वाला। इसको देखिए आप, कोई भी डीसी टर्म नहीं होता तो 10 भी रिजेक्ट हो जाएगा, 0.2 अपॉन 2 भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बट 0.2 अपॉन 2 इंटू cos 2 ओमेगा ct, ये तो कैरियर का टर्म है, तो ये रहेगा कि नहीं रहेगा, आप समझिएगा। यहां पर cos ओमेगा ct प्रेजेंट होता है, cos 2 ओमेगा ct प्रेजेंट नहीं होता, दैट मींस fc फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है, 2fc प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन आपका dc टर्म भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपका 2fm वाला टर्म है वो तो होता ही नहीं है, fm वाला भी नहीं होता, 2fm वाला भी नहीं होता, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका आउटपुट है वो क्या आएगा, 2 cos omega ct plus 2 cos omega ct into cos omega mt, ओके। यहां पर एक और पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं पीछे से, ये जो 2 cos omega ct into cos omega mt है उसमें आपका 0.2 से मल्टीप्लाई था, तो हम यहां 0.2 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 से मल्टीप्लिकेशन, सेम यहां पर भी आपका 0.2 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 cos omega ct, ओके, ये कितना हो जाएगा 0.4 cos omega ct into cos omega mt, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहां से 2 cos omega ct कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 2, ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए cos omega ct, ओके, तो यहां पर ये किस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ओके, 0.4 अपॉन 2 cos omega mt, ओके। तो यहां पर अगर मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के दिखा दूं तो आपको कंपेयर करने में बहुत आसानी होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ am कितना होता है, ac 1 plus ka mt cos omega ct, ओके,
यहां पर अगर मैं MT की वैल्यू कोसाइन के फॉर्म में लिखूं, दैट इज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, तो MT इज इक्वल टू AM cos ओमेगा MT, ओके तो कितना हो जाएगा आप देखिए, ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA इनटू AM व्हिच इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हमें याद होना चाहिए ना ये टर्म अब, ठीक है, cos ओमेगा MT इनटू cos ओमेगा CT, क्लियर है पॉइंट। अब आप इसे कंपेयर करिए, AC 1 प्लस, ठीक है, MA cos ओमेगा MT इनटू cos ओमेगा CT, मींस हम लोगों ने बिल्कुल ही राइट टर्म चूज किए हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये 0.4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, MA हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी MA की वैल्यू है एक्चुअल में वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0.2, ठीक है। अगर आप परसेंटेज भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कितना परसेंट हो जाएगा ये, 20%, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, ओके। हियर AM वेव फॉर्म इज गिवन टू यू, AM वेव फॉर्म आपको गिवन है यहां पर, ST इज इक्वल टू P cos 600 pi t, ओके, प्लस Q cos 620 pi t, ओके, प्लस Q cos 580 pi t, ओके, इस तरह से आपको AM इक्वेशन गिवन है, क्लियर है पॉइंट। एड कैरियर पावर जो है ये भी आपको गिवन है, PC वो आपको गिवन है 100 वॉट, ओके, एंड आपको गिवन है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ये आपको गिवन है 40%, ओके, तो आपको निकालना है वैल्यू P एंड Q की, ओके, तो P एंड Q जो है आपको वो डिटरमाइन करना है, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर देखिए आप ध्यान से, यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड AM इक्वेशन गिवन है, ये आपको बोला गया है, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे अगर तो तीनों ही कॉस के टर्म है, और AM इक्वेशन में तीनों टर्म कॉस के कब आते थे, जब आप लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कंसीडर करते थे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं अपने इक्वेशन को सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, ST इज इक्वल टू AC cos ओमेगा CT प्लस AC MA बाय 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इनटू T प्लस AC MA बाय 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इनटू T, ओके ना, कैरियर टर्म, अपर साइड बैंड टर्म एंड लोअर साइड बैंड टर्म, डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर, ओके। नाउ आप देखिए यहां पर जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें आपके दोनों साइड बैंड के एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, दैट मींस यहां पर आप देखिए Q और Q सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जो है वो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से बड़ा होगा, दैट मींस यहां पर भी जो 620 पाई वाला टर्म है वो अपर साइड बैंड होगा और जो 580 पाई वाला टर्म है वो लोअर साइड बैंड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए जो थर्ड टर्म है वो हमेशा कैरियर होगा, तो यहां पर जो P cos 600 pi t वाला टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका, कैरियर होना चाहिए, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर, ओके। एक और पॉइंट है आपका कि जो आपका साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी से जितनी ज्यादा है, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी से उतनी ही कम है, देख सकते हैं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। मींस कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के मिडिल में होनी चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए एक बार, 620 और 580 के मिडिल में क्या होना चाहिए था आपका, 600, यस, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मींस आपका सेम इक्वेशन है ये, ठीक है। तो यहां पर अब मैं कंपेयर करके वैल्यूज लिख लेता हूं, पहला देखिए आपको कैरियर पावर गिवन है, कितना गिवन है, 100 वॉट, तो अब आपको पता है ये जो पी है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, हमें पता है कैरियर का पावर क्या होता है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना गिवन है आपको, 100, तो यहां से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट 200, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है अच्छे से। नाउ
हमें पता है जो साइड बेंड्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए सी एम ए बाई टू, ठीक है, और ए सी एम ए बाई टू कितना गिवन है आपको, क्यू गिवन है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए सी एम ए बाई टू इक्वल टू क्यू, क्लियर है, और यहां पर ए सी एम ए बाई टू जो है आपका, तो आपको ए सी की वैल्यू तो पता चल चुकी है ना, कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या है आपका पी ही है ना, तो आपको यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं पी बाई टू इंटू एम ए इक्वल टू क्यू, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि ए सी और पी दोनों सेम है, दोनों ही क्या है कैरियर का एम्पलीट्यूड है, क्लियर है अच्छे से। नाउ पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू आपको कितनी पता है, अंडर रूट 200, तो अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एमए इक्वल टू क्यू, तो देखिए यहां पर आपका एमए और क्यू के फॉर्म में एक इक्वेशन यहां से क्रिएट हो गया। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपको एक और वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो आपको गिवन है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है यहां पर 40% गिवन है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले को याद करूं, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था आपका, वो होता था एम ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कितनी वैल्यू गिवन है 0.4, क्लियर है अच्छे से। तो अब आप यहां पर देखिए एफिशिएंसी आपको 0.4 गिवन है, ठीक है, और आपको एक इक्वेशन गिवन है ये वाला एम ए और क्यू वाला, ठीक है, यहां से आप देखिए अगर आप यहां से सॉल्व करके एम ए की वैल्यू को अचीव कर ले, ठीक है, तो एम ए की वैल्यू जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आपको क्यू की वैल्यू अचीव हो जाएगी, क्लियर है पॉइंट, तो हम लोग बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस आंसर को कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर पोस्ट करना है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर करने जा रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल नंबर 4, यहां पर आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैसेज सिग्नल एम टी आपका अप्लाई है इनपुट, ओके, एंड आपका एक एडर है जिसमें आप लोगों ने एक कैरियर कॉस ओमेगा सी टी को अप्लाई किया है, एंड आउटपुट को आपने भेजा है स्क्वायर लॉ डिवाइस में एस एल डी, ओके, एंड उसका जो आउटपुट है उसको वाई टी नाम दिया गया है, उसे आपने एक फिल्टर से पास किया है, ओके, एंड उस फिल्टर के आउटपुट को आपने आउटपुट ही नाम दिया है, ओके, और इस आउटपुट में कह रहा है कि ये जो आउटपुट है आपका वो आपका ए एम सिग्नल है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मींस अगेन जैसे हमने एक दो क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था कि आपको नॉन लीनियर डिवाइस में ऐसे ऐसे टर्म्स आपको चूज करने आउटपुट में जिससे आपका ए एम सिग्नल जनरेट हो, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये, ठीक है, और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसका इनपुट है एक्स टी, ओके, और यहां पर आपको एक्स टी और वाई टी के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, तो आपको वाई टी गिवन है मीन्स स्क्वायर लॉ आउटपुट का जो आउटपुट है, स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट है वो आपको गिवन है, वाई टी इज इक्वल टू 2XT, ओके, प्लस 5X²T, ये आपको गिवन है स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट, और आपको ये भी गिवन है कि एम टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, वो है आपकी ए, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम टी इज ए, ये आपको इतना गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर मॉडुलेशन इंडेक्स 0.6, ओके, मींस आपको ये भी गिवन है कि एम ए की वैल्यू जो है 0.6 है, तो आपको वैल्यू ऑफ ए निकालना है, मींस आपको कुल मिला के कहा गया है कि आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम टी कैलकुलेट करिए, ठीक है, जो ए एम सिग्नल जनरेट होगा आउटपुट में उसका मॉडुलेशन इंडेक्स आपको गिवन है 0.6, और आपको एम टी मैक्सिमम दैट इज ए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रोसीजर वही होगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे थ्योरी में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था और जब न्यूमेरिकल्स भी मैं ले रहा हूं एक्स्ट्रा, तो मैं ये फिल्टर वाले क्वेश्चन या स्क्वायर लॉ डिवाइस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा ले रहा हूं, इसका मीनिंग आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फिल्टर से पास करना आना चाहिए सिग्नल्स को, ओके, नाउ देखिए यहां पर वाई टी कितना दिया है 2XT प्लस 5X²T, और XT कितना है आपका एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी टी, क्लियर है अच्छे से, तो आप यहां पर वाई टी डायरेक्ट लिख लीजिए, वाई टी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2XT मींस 2MT
प्लस 2 cos ओमेगा सी टी, ओके। आगे क्या दिया है आपको, 5 x स्क्वायर टी, ओके। तो 5 m स्क्वायर टी प्लस 5 cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, ओके। देन 2ab, तो 5 इंटू 2 10, 10 एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। क्लियर है पॉइंट यहां तक? नाउ अब आपको कह रहा है इस yt को आप ऐसे फिल्टर से पास करते हैं जिससे कि आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ am सिग्नल हो। अब तो आपको अच्छे से याद होगा, अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो mt आपका पास नहीं होगा क्योंकि आउटपुट में सिर्फ एक कैरियर का टर्म होता है और एक कैरियर इंटू मैसेज का टर्म होता है, ठीक है। तो ये टर्म भी पूरा पास नहीं होगा, एम स्क्वायर टी भी पास नहीं होगा, ठीक है। ये टर्म वाला एम स्क्वायर टी और ये 5 कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी और ये वाला 2 एम टी, ये तीनों पास नहीं होंगे। तो पास क्या होगा आपका आउटपुट में, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 2 कॉस ओमेगा सी टी, ओके, प्लस 10 एम टी कॉस ओमेगा सी टी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पे कॉस भी कॉमन ले लूं तो कॉस ओमेगा सी टी, तो यहां से आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 बाई 2 कितना होगा आपका, 5 एम टी। क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां पर आप समझिएगा, जब हम लोग एम टी की वैल्यू ए एम कॉस ओमेगा एम टी पुट करते हैं, ठीक है ना, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, के ए इंटू ए एम, यही लिखते हैं हम लोग। तो ए एम है क्या एक्चुअल में, ए एम है उस ए एम कॉस ओमेगा एम टी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1 होती है, तो ए एम कॉस ओमेगा एम टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, ए एम ही होगी ना। तो एक्चुअल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर मैं डेफिनेशन आपको बोलूं तो वो क्या होती है, के ए, ओके, इंटू एम टी मैक्सिमम, ठीक है। अगर एम टी आपका ए एम कॉस ओमेगा एम टी है तो एम टी मैक्सिमम क्या होगा, ए एम होगा। तो आप फॉर्मूला हर बार लिखते हो के ए इंटू ए एम, आपको यहां समझना जरूरी है कि ए एम जो है वो एम टी मैक्सिमम है। तो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होना चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, वो होना चाहिए के ए इंटू एम टी मैक्सिमम। कल को अगर आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की जगह कोई और वेव फॉर्म भी अगर आ गई क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आपको पता है कि एम टी मैक्सिमम होता है भाई। कोई स्क्वायर वेव है तो देख लीजिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोई साइनोसॉइडल वेव है तो देख लीजिए भाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओके। नाउ यहां पर आप देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया आपका ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी, दैट मीन्स के ए कितना है आपका, 5 है, ठीक है। और एम ए क्वेश्चन में आपको गिवन है, एम ए गिवन है 0.6, तो आप क्या लिखेंगे, 0.6 इज इक्वल टू 5 एम टी मैक्सिमम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको कैलकुलेट भी करना है एक्चुअली ए, ओके, तो 5 ए, ओके। तो यहां से जो आपका आंसर है वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 5, ओके। तो ये आपका आंसर यहां पर क्रिएट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको यहां पर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? यहां से आपको एक न्यू कंसेप्ट मिल रहा है कि जो एम ए होता है वो के ए इंटू एम टी मैक्सिमम होता है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। यहां भी आपको अगेन एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ओके। फर्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो आपका एक मल्टीप्लायर है, ओके, जिसमें आपका इनपुट जो है वो एम टी है, ओके, एंड आपका एक और इनपुट जो है वो है आपका वी टी, ओके। नाउ सेकेंड जो आपका ब्लॉक है वो आपका एडर है, ओके। इस एडर में एक इनपुट तो आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट है और एक इनपुट जो है आपका वो है आपका V1T, ओके। नाउ जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक है वो अगेन आपका मल्टीप्लायर है, ओके, एंड इस मल्टीप्लायर में जो आपका एक इनपुट और एक्स्ट्रा है वो है आपका अगेन VT, ओके। नाउ जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक है वो है आपका लो पास फिल्टर, ओके, LPF। उस LPF की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो गिवन है 1 हर्ट्ज, ओके, एंड फाइनल जो आपका आउटपुट है उसे यहां पर कहा गया है YT, ओके। तो यहां पर आपको आउटपुट YT ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं नेमिंग सबकी, ये आपका है मल्टीप्लायर,
ये है आपका एडर और ये अगेन आपका क्या है मल्टीप्लायर है. क्लियर है पॉइंट? ओके. आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज भी गिवन है, जैसा आपको एमटी गिवन है, यहां पर एमटी है आपका साइन 2πt/t. ओके. और क्या गिवन है? वीटी गिवन है आपको. वीटी कितना गिवन है आप लोगों को यहां पर? कॉस 200πt. ओके. और क्या गिवन है आपको? और आपको गिवन है v1t जो आपको गिवन है वो गिवन है साइन 199πt/t. ओके. इतनी वैल्यूज आपको गिवन है और आपको निकालना है आउटपुट yt. क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां पर देखूं, अगर मैं फर्स्ट मल्टीप्लायर के आउटपुट को यहां पर अगर मैं y1 ले लूं, सेकेंड के आउटपुट को दैट इज सेकेंड एडर के आउटपुट को अगर y2 ले लूं और सेकेंड मल्टीप्लायर के आउटपुट को अगर y3 ले लूं, ठीक है, दैट इज थर्ड ब्लॉक, ठीक है, y1 y2 एंड y3, तो आप देखिए y1 क्या हो जाएगा, mt into vt. ओके. तो y1 हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो mt है आपका वो कितना है साइन 2πt/t. ओके. इंटू वीटी, वीटी कितना है कॉस 200πt, ठीक है, ये आपने कर दिया एमटी इंटू वीटी. तो सिंपल है, यहां पर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. कितना होता है फॉर्मूला आपका? साइन ए कॉस बी, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 2sin A cos B का. कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ओके. तो यहां पर मैं फॉर्मूला आपके लिख भी देता हूं साइड में, सारे के सारे फॉर्मूले रफ में, ठीक है. तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला यूज्ड. ओके. तो फॉर्मूला यूज्ड में फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो होगा आपका 2sin A cos B. ओके. तो ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ओके. ये फॉर्मूला हमें वैसे याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले हैं आपके. तो यहां पर आप देखिए साइन ए कॉस बी है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप आंसर में, क्योंकि 2 यहां पर नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/2t. ओके. साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 202πt. ओके. प्लस साइन ए माइनस बी, पर जब आप ए माइनस बी करेंगे ना तो 198 आएगा, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस साइन थीटा. तो कितना हो जाएगा साइन 198πt, और आपका आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं y2 कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो आप देखिए y2 किसका आउटपुट है? y2 आपका आउटपुट है एडर का, ठीक है. उसमें आपका क्या ऐड हो रहा है एडर में? v1 ऐड हो रहा है, मतलब y1 प्लस v1. ओके. तो आपको क्या मिल जाएगा? y2. क्लियर है पॉइंट? तो हम लिख लेते हैं यहां पर y2 को, ठीक है. तो y1 क्या है आपका? 1/2t साइन 202πt माइनस 1/2t साइन 198πt प्लस, अब आपका ऐड होगा यहां पर v1, जो कि कितना है आपका साइन 199πt डिवाइडेड बाय t. ओके. तो यहां से हमारा आ गया y2. अब अगर मैं बात करूं यहां पर y3 की, तो जो आपका y3 है वो आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट है. आप देखिए मल्टीप्लायर में फिर से y2 में आपका vt जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. vt आपका अगेन cos 200πt ही है, ठीक है ना. तो आपको जस्ट cos 200πt को मल्टीप्लाई कर देना है प्रीवियस आउटपुट में, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 1/2t साइन 202πt. ओके. इंटू कॉस 200πt. ओके. नाउ माइनस 1/2t साइन 198πt इंटू कॉस 200πt. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्लस 1/t साइन 199πt इंटू कॉस 200πt. ओके. तो आपका यहां पर अब 3 बार साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो आप ऑलरेडी पीछे देख चुके हो, ठीक है. साइन ए कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2. ओके. तो यहां पर आप देखिए y3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये फॉर्मूला यूज हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं, ठीक है. तो जो आपका y3 है वो कितना हो जाएगा देखिए आप,
पहला टर्म क्या है 1/2t, ठीक है, साइन ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा 402। ओके, तो एक चीज और है यहां पर डिवाइड बाय 2 भी होना है, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर 1/4t हो जाएगा आपका 1/4t, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा साइन 402 πt। ओके, आपने क्या किया बेसिकली साइन ए प्लस बी तो 402 हो गया। नाउ साइन ए माइनस बी तो कितना होगा 202 - 200, खाली 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा आपका, और ये प्लस में होगा इस बार, ठीक है ना, साइन 2 πt। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म आप देखिए, नेक्स्ट टर्म आपका माइनस में है, अगेन डिवाइड बाय 2 होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं माइनस 1/4t। ओके, और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं, यहां पर देखिए यहां पर क्या क्या टर्म है आपका, आपका टर्म है 198 πt एंड 200 πt, तो पहले तो ऐड होना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं साइन 398 πt, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, अब आपका सब्ट्रैक्ट होना है a माइनस बी, तो 198 - 200 माइनस 2 होगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस साइन 2 πt। क्लियर है पॉइंट यहां तक अच्छे से। नाउ आप नेक्स्ट टर्म देखिए, आपका 1/t है, तो ये प्लस 1/2t हो जाएगा डिवाइड बाय 2 करने के बाद। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप देखिए फिर से साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 399, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर हमें, तो आप लिख लीजिए यहां से साइन 399 πt। ओके, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 199 में से 200 को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 1, तो साइन माइनस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर आपका साइन क्या आ जाएगा माइनस साइन πt। क्लियर है अच्छे से, देख लीजिए आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया है 199 में से 200 को, माइनस आ गया आपका, ठीक है। तो यहां हमने तीनों के तीनों टर्म लिख लिए, क्लियर है। अब आप अगर इनको देखें तो ये जो Y3 है आपका, ये आपका लो पास फिल्टर से पास होने वाला है, आप देख लीजिए ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम को, ये जो Y3 है इट इज द इनपुट ऑफ लो पास फिल्टर, और आपको Yt कैलकुलेट करना है, फुल एंड फाइनल Y आपको चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 1 Hz, तो हम डायरेक्टली यहां पर देख लेते हैं कि जो भी आपके 1 Hz से ऊपर वाले टर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, हमें इसे सॉल्व और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअल में आसान हो जाएगा हमारा। देखिए आप ये 402 πt, ओमेगा 402 πt है ना, तो एफ कितना होगा 201 रिजेक्ट, ठीक है। इसको देखिए 398 πt, आपको क्लियर होगा रिजेक्ट, 399 πt रिजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये है आपका 2 πt, ओमेगा 2 πt है, ठीक है, हमें पता है ना अच्छे से ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 πf, तो जो एफ है वो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 πt, ठीक है, और हमें हर्ट्स में दिया है ना, तो हम एफ में देखेंगे, अगर ओमेगा आपका 2 πt है दैट मींस एफ कितना है 1 Hz। क्लियर है, मींस ये टर्म आपका पास हो जाएगा, ये टर्म भी आपका पास हो जाएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा ओमेगा अगर आपका 2 πt है, ठीक है, तो यहां पर तो सिर्फ पाई है ना, दैट मींस एफ कितना है आपका 0.5 Hz, ये भी आपका क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो आपके बेसिकली तीन टर्म यहां से पास हो रहे हैं, तो जो आपका फुल एंड फाइनल Yt है वो कितना होगा, देखिए 1/4t, ओके, साइन 2 πt, ओके, माइनस 1/4t, तो यहां पर माइनस किया और यहां पर भी माइनस था, तो क्या हो जाएगा प्लस, अगेन साइन 2 πt, ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस 1/2t साइन πt, ओके, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट। तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पर 2 sin a cos b के फॉर्मूला के अलावा हमने यहां पर कुछ किया नहीं है, ठीक है ना, वही मल्टीप्लायर थे, वही एडर्स थे, मल्टीप्लायर में हर बार क्या हो रहा था 2 sin a cos b का फॉर्मूला जनरेट हो रहा था, बट लास्ट में बस हमें एक बार ये देख लेना था कि कौन कौन से टर्म आपके 1 Hz से ऊपर के है उन्हें आप रिजेक्ट कर दीजिए, जो टर्म आपके 1 Hz या 1 Hz से लेस में थे उन्हें आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आउटपुट में शो कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है फिनिश, ओके। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कंसीडर किए आज की क्लास में, ओके। आपके और एनालिसिस के लिए जो हमने सारी थ्योरी पढ़ी है, आपका थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यहां पर आपको लूंगा वीएसबी टेक्निक, वेस्टिजियल साइड बैंड. ओके, अगर आपको इन किसी भी न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा. ओके, गुड बाय.